राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी भाग पांच। आलेख शेरचंद गर्ग का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो देखो दादाजी आ गए हैं और अब तुमसे राम राम कहेंगे, लेकिन दोस्तों तुम जरा जोर से राम राम कहना। तो आइए दादाजी। दादाजी राम 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 बच्चों राम राम। दादाजी कैसे हो? अरे भाई अपने दादाजी की मत पूछो, ये कम वक्त बरसात का मौसम क्या आया, तुम्हारे दादाजी जुकाम और आछी के बीच में ही लटक गए। अरे हाँ याद आया, चमगादड़ बेचारा ना इधर ना उधर, बीच में ही लटका लटका, जैसे तुम्हारे दादाजी कभी गौरैया कभी कबूतर कभी तोते और कभी मुर्गे के बीच लटके रह जाते हैं। कभी गौरैया की ची ची चू चू, तो कभी मुर्गे की कुकड़ू कू, इन दोनों के बीच लटके रह जाते हैं। तो कभी गाय की भां भां, या कभी घोड़े की हिन हिन में, दादाजी किस चक्कर में अटक गए? ओए होए 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 नन्हे मुन्ने बच्चों, आज तुम्हारे दादाजी गौरैया और कबूतर के चक्कर में फंस गए। दादाजी गौरैया और कबूतर? हाँ क्या? वही तो बतला रहा हूँ बच्चों, कबूतर और गौरैया ये दोनों बेचारे घर से बेघर हो गए। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, हुआ यूँ कि ये दोनों एक घर में साथ साथ रहा करते थे और बारी बारी से चींची चूचू और गुटरगू। कैसे? चींची चूचू गुटरगू। हाँ चींची चूचू और गुटरगू करके एक दूसरे को अपने मन की बातें बतला दिया करते थे। तो फिर क्या हुआ दादाजी? होना क्या था, जिसके घर में ये दोनों रहते थे वो आदमी तुम्हारे दादाजी जैसा तो था नहीं, जो पशु पक्षियों को प्यार करता, बस उसने इन दोनों को घर से बाहर निकालने की सोच ली। पूछो क्यों? ओए होए इसमें पूछने की क्या बात है, हुआ यूं कि उस घर के बच्चे तो गौरैया को देखकर बहुत खुश होते, फुदकती चहकती गौरैया जब उनके कमरे में जाती तो बच्चे गाते हुए उसको पकड़ने दौड़ते तो वो उड़ जाती, तो बच्चे तालियां बजा बजा कर बहुत खुश होते थे।
ची ची चू चू है गौरैया। ची ची चू चू है गौरैया। थोड़ा दाना डालो भैया। थोड़ा दाना डालो भैया। बोलो बोलो, अरे बच्चों तुम भी मेरे साथ साथ बोलो। ची ची चू चू है गौरैया, थोड़ा दाना डालो भैया। दादाजी ये गाना तो बड़ा ही अच्छा है, फिर क्या हुआ दादाजी? नन्ने मुन्ने बच्चों, गौरैया की ची ची चू चू चहकने के साथ साथ उस घर में कबूतर की गुटर गूंगी भी रौनक थी। कबूतर कैसे बोलता है? गुटर गू। और गौरैया कैसे बोलती है? ची ची। चू चू कैसे? चू चू। ची ची चू चू। ची ची चू चू। गुटर गू गुटर गू। गुटर गू गुटर गू। तो बच्चों, जब दोनों मिलकर ची ची चू चू और गुटरगू करते तो घर में मानो खुशियां ही खुशियां छा जाती। बच्चे किलकारी भरकर उछलने कूदने लगते। कुछ बच्चे तो ची ची चू चू और गुटरगू की नकल उतार उतार कर बहुत खुश होते थे। कैसे? ची ची चू चू गुटरगू। हाँ बिल्कुल ऐसे। कबूतर की गुटरगू का तो ये बच्चे इतना आनंद लेते थे, इतना आनंद लेते थे कि ज्यों ही कबूतर चुप होता बोल पड़ते, बोल कबूतर बोल गुटरगू, बोल कबूतर बोल गुटरगू। कैसे? बोल कबूतर बोल गुटरगू, बोल कबूतर बोल गुटरगू। हाँ, अरे तुम भी तो मेरे साथ साथ बोलो, बोल कबूतर बोल गुटरगू। और जोर से, बोल कबूतर बोल गुटरगू। शाबाश, बोल कबूतर बोल गुटरगू। दादाजी अच्छे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हुआ यूं कि ची ची चू चू और गुटरगू की खुशी उस घर के मालिक से देखी नहीं गई। जो ही वो गौरैया की ची ची चू चू और कबूतर की गुटरगू सुनता तो उसे बड़ा गुस्सा आता। उसे शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए घर के तमाम बच्चों को वो हरदम डांटता फटकारता कि भाई खामोश रहो, ज्यादा मत बोला करो। तो फिर क्या हुआ दादाजी? फिर क्या हुआ बच्चों, होना क्या था, घर के मालिक ने एक दिन गुस्से में आकर गौरैया और कबूतर के घोंसले को फेंक दिया। तभी ची ची चू चू गौरैया चहकती हुई कबूतर के पास पहुंची और उसे सारी बातें बतला दी। पहले तो कबूतर जरा घबराया, फिर कहने लगा, घबराओ मत गौरैया, अब जो होगा देखा जाएगा। कबूतर की बात से गौरैया में थोड़ी हिम्मत आई। तो फिर क्या हुआ दादाजी? अरे होना क्या था, कबूतर और गौरैया ने गुटरगू ची ची चू चू करके फिर उस मकान में शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के मालिक का ध्यान फिर घोंसले की तरफ गया। अब की बार उसने अपने बेटों को बुलाकर हुक्म दिया कि गौरैया और कबूतर के घोंसले उखाड़ फेंको। जब गौरैया ने सुना तो बेचारी घबरा गई। ची ची चू चू, ची ची चू चू, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो गुटरगू कबूतर के पास गई और कबूतर ने उसे समझाया कि घबराओ नहीं गौरैया, अगर ऐसा है तो हम तुरंत उड़कर भाग चलते हैं। क्यों? तो फिर क्या हुआ दादाजी? अरे होना क्या था, गौरैया ची ची चू चू चहचहाकर और कबूतर गुटरगू गुटरगू करके साथ साथ उड़ गए, आसमान की तरफ उड़ गए।
और उस घर के नन्हे मुन्ने बच्चे उदास हो गए। उन्हें जब भी गौरैया और कबूतर की याद आती तो बेचारे खुद ही ची ची चू चू चहकने लगते, गुटर गूं बोलने लगते। कैसे? ची ची चू चू गुटर गूं। हाँ, ची ची चू चू गुटर गूं। तो फिर क्या हुआ दादाजी? अरे नन्ने मुन्ने बच्चों, उस घर से निकलकर गौरैया और कबूतर ने एक तालाब में जाकर पानी पिया। बेचारे ची ची चू चू गुटर गूं करके थक गए थे। उसके बाद जब आराम किया, थोड़ी जान में जान आई तो ची ची चू चू करके चहकने लगे और गुटर गूं करके गाने लगे और अपने पंख फैलाकर दूर बहुत दूर आसमान में उड़ गए। उड़ते उड़ते गौरैया और कबूतर ने तुम्हारे दादाजी को अपने मुर्गे और मुर्गियों को दाना डालते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, उन्होंने तुम्हारे दादाजी की मुंडेर पर ही अपना डेरा जमा लिया। तुम्हारे चिड़ीबाज दादाजी के चिड़ी प्यार को देखकर गौरैया और कबूतर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए और तुम्हारे दादाजी की मुंडेर को ही अपना घर समझकर रहने लगे। वाह दादाजी वाह, फिर तो ची ची चू चू गुटर गूं होती होगी। अरे प्यारे बच्चों, तुम सबका बोलना भी तो ची ची चू चू गुटर गूं सा प्यारा लगता है तुम्हारे दादाजी को। तो फिर तुम सब भी चहको ची ची चू चू, चहको ची ची चू चू, ची ची चू चू, ची ची चू चू। भाई आधे चहक रहे हैं, आधे नहीं चहक रहे। अरे सब एक साथ चहको, शाबाश, ची ची चू चू गुटर गूं और जोर से ची ची चू चू गुटर गूं और चहको ची ची चू चू गुटर गूं। अरे भाई ची ची चू चू चहकने और गुटर गूं गाने के चक्कर में हम अपने मुर्गे और मुर्गियों को दाना डालना ही भूल गए। अरे ये क्या सुन रहे हो ना बेवक्त की कुकड़ू कू। अच्छा नन्हे मुन्ने बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम। राम राम दादाजी। राम राम। राम राम दादाजी। भाई वाह, आज तो दादाजी ने कुछ पक्षियों के बारे में बताया। किस किस के बारे में बताया? गौरैया कबूतर के बारे में। तो दोस्तों, गौरैया कैसे बोलती है? ची ची चू चू ची ची चू चू। और कबूतर गुटर गूं। तो तुम ची ची चू चू और गुटर गूं करो और मैं चला। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया। अब जरा जोर से कहो, जय हिंद।